आपको यहां पर बताना है अबाउट द ऑफ फ्रियोन टी डी टी कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बेटा एंड तो चलिए हम यहां पर देखेंगे वन वन बाय तो ये हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर यूजेज ऑफ फ्रियन ट्वेल्व क्या होता है बेटा द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियो फ्रियॉन्स होते क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जैसे अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लें तो हमने लिखा है फ्रॉन टाइट फ्रोन टूज एज अजरेंट ट्वेल्व होता क्या है बेटा फ्रोन ट्वेल्व इज़ सी सी एल टू एफ टू तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज सी सी एल टू एफ टू क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड ठीक है बात समझ आई इसको हम कहा यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट और कहा यूज करते हैं बेटा इट इज यूज इन एर स्प्रे सच एज बॉडी स्प्रेज हेयर स्प्रेज एंड एटसेट्रा एट्सेट्रा जो आप बॉडी स्प्रे यूज करते हैं जो परफ्यूम्स यूज करते हैं हेयर स्प्रे जो यूज करते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं फ्रियोन टीज आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर टॉक्सिक इन नेचर का मतलब क्या है बेटा ये ओजोन लेअर को डैमेज करते हैं मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेअर के लिए फ्रियन ट्वेल्व आर रिस्पॉन्सिबल Therefore, हमें क्या करना चाहिए इनको यूज नहीं करना चाहिए ठीक है बात समझ आई ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है Next is uses of DDT. DDT क्या बेटा इज यूजेस ऑफ होता है पैरा पैरा डायक्लोरोनाइल ट्राइक्लोरोन नाम देख के तो लगा ऐसा बड़ा सा कुछ कंपाउंड है देखो यहां पर डायग्राम में देखेंगे बेटा पैरा पैरा डायक्लोरो पैरापोजिशन ये पैरा पैरापोजिशन ये, ये हो गया डायक्लोरो देन इल दो फिनाइल रिंग्स हैं यहाँ पर साथ में क्या है ट्राईक्लोरोन दिस इज ट्राईक्लोरोन ठीक है ये समझ आया बेटा डीडीटी को हम यूज कहां करते हैं सो डीडी टी इज एंड इंसेक्टिसाइड एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोज एंड लाइस आपके पास जो मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटोज होते हैं ना उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है डीडीटी को एज इंसेक्टिसाइड ठीक है वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था उस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया था ताकि मलेरिया ना हो ठीक है बेटा मलेरिया और लाइस के लिए भी इसको यूज किया जाता है और एक्सटेंसिव यूज अगर आप करेंगे डीडीटी का तो हमने देखा कि नाइनटीन के आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम को डिस्कवर किया गया जो इसको यूज करने की वजह से हो रही थी ऐसा क्यों अब आप बहुत ज्यादा डीडीटी यूज कर देंगे तो जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने क्या किया इंसेक्ट्स ने इनके अगेंस्ट रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिया मतलब अब आप उन पर डीडीटी डालते रहो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा है ना और ये क्या होता है बेटा हाईली टॉक्सिक होते हैं हाईली टॉक्सिक होते हैं टूवर्ड्स तो फिश ठीक है इन सारी चीजों को देखते हुए क्या किया गया डीडीटी को बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स में इन 1973 ठीक है लेकिन स्टिल दुनिया में कई जगह पर इसको अभी भी यूज किया जाता है है ठीक तो हमने क्या देख लिया फ्रियॉन ट्वेल्व एंड डीडीटी इसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है सी सी एल फोर ठीक है इसको कहा यूज करते हैं देखो इट इज वाइडली यूज इन द मैन्यूफेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स फॉर इसको भी एरो यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट राइट और कहा यूज करते हैं बेटा इसको यूज किया जाता है एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरो फ्लोरो एंड अदर केमिकल्स अगर आपको क्लोरो फ्लोरो को सिंथेसाइज करना है तो इसको एज अ फीड स्टॉक यूज किया जाता है राइट right? और कहा यूज करते हैं जनरली एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता था सी ठीक है और कहा यूज कर सकते हैं इसको 1960s के अराउंड इसको यूज किया जाता था बेटा एज अ क्लीनिंग फ्लूड ठीक है घर की साफ सफाई करने के लिए ग्रीस हटाने के लिए यूज करते थे इसको एज अ क्लीनिंग फ्लूड इंडस्ट्री में भी और घर पर भी स्पॉट रिमूवर की तरह इसको यूज किया जाता था और फायर एक्सटिंग की तरह भी इसको यूज किया जाता था लेकिन अब जब इसको यूज करते रहे तो कुछ चीजें सामने आई क्या सामने आया कि अगर आप सीसीएल के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो ये ह्यूम के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक था मतलब आपको डिजीनेस हो सकती है सर दर्द हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग इन सब की वजह से क्या होगा परमानेंट डैमेज भी हो सकता है आपके नर्व सेल्स को राइट right? कुछ कुछ केसेस में तो ये देखा गया कि जो इंसान हैं, जो लोग हैं जो इनके एक्सपोजर में थे वो लोग कोमा में चले गए ठीक है अनकॉन्शियसनेस हो गए और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई तो इतना ज्यादा डेंजरस था तो इसका जो फ्रीक्वेंट यूज किया जा रहा था इंडस्ट्रीज में और एज अ सॉल्वेंट घरों पर उसको थोड़ा कम कर दिया गया राइट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करता है हेल्प करता है मतलब हम तो नहीं चाहते ओजोन डिप्लीट हो तो ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो उससे क्या होगा क्या होगा बेटा अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर में आ जाएंगे ह्यूमन उससे क्या होगा स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स होंगी आई डिसीज होंगी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे है ना और इम्यून सिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा ठीक तो इसीलिए सीसीएल फोर को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता बात समझ आ गई उसके बाद नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट इज यूज ऑफ आयडोफॉर्म आयडोफॉर्म क्या होता है बेटा आयडोफॉर्म इज सी एच आई थ्री ये क्या है बेटा आयडोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोनस वाले चैप्टर में वहां पर हम बात करेंगे बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शंस की हेलोफॉर्म रिएक्शंस ठीक है हेलोफॉर्म रिएक्शंस में ही हम देखेंगे कि आपको मिलेगा आयोडोफॉर्म कैसे अभी से थ्री बना है ऐसे ही थ्री भी होता है और ऐसे ही CHBr3 भी होता है उनको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म एंड दिस इज आयोडोफॉर्म ठीक है तो आयोडोफॉर्म रियाक्शन को कैसे यूज किया जाता है बेटा एक तो इनका यूज है एज एन एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग अगर आपको कहीं चोट लगी है तो उसकी ड्रेसिंग करवाने जाते हैं ना पट्टी बनवाते हैं तो वहां पर एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म की प्रॉपर्टीज की वजह से इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज नहीं करते यहां पर क्या होता है बेटा लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन आयोडीन की वजह से इसको यूज किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक राइट एंड दूसरा क्या है द हेलोफॉर्म रिएक्शन इज कॉमनली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल कार्बिनोल्स फ्रॉम अदर कीटोन एंड एल्कोहोल्स ठीक है क्या मतलब हो इस बात का बेटा मिथाइल किटोन्स होते हैं ये कीटोन पता है सबको क्या होता है सी एस टी सी डबल बॉन्ड ओ सी एस ट्री दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन राइट तो मिथाइल कीटोन का मतलब है बेटा कि यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए ये वाला ग्रुप सी एस ट्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस ट्री राइट अगर आपके पास कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इस ग्रुप को पहचानने के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं हेलोफॉर्म रियाक्शन उसमें भी हम जनरली यूज करते हैं आयडोफॉर्म रियाक्शन ठीक है बात समझ आई ये जो आइडोफॉर्म है सी एच आई थ्री येलो कलर का पीपीटी देता है विद दिस मिथाइल कीटोन रिएजेंट क्या यूज करते हैं बेटा रिएजेंट हम यूज करते हैं एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आई टू अगर हम आइडोफार्म की बात कर रहे हैं तो रिएजेंट होगा आई टू ये दोनों मिलके क्या देंगे यहां से मिलेगा एन ए ओ आई और ये जो बना एन इसका नाम क्या है बेटा दिस इज सोडियम हाइपोहेलाइट सोडियम हाइपोहेलाइट ठीक है ये करवा देता है ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल की टू क्या बनेगा यहां पर एक बनेगा आपको आयडोफॉर्म और साथ में मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अगर मैं इस वाले की रिएक्शन आपको लिखकर दिखाऊं ये बाद में हम पढ़ेंगे बेटा अच्छे से अभी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि थोड़ा सा यहां पर आ गया है तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं तो यहां पर लिख लेते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगी एन ए ओ आई के साथ तो यहां पर क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक तो मिल जाएगा आयोडोफॉर्म दैट इज सी एच आई थ्री प्लस साथ में मिलेगा सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ओ एन ए दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है बात समझ आई तो ये हमने देखे यूजेज ऑफ एडोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड डी टी टी एंड फ्यन ट्वेल्व क्लियर चलिए ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय